हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजाना फूड्स। आज हम बना रहे हैं मैंगो कस्टर्ड। ये गर्मी के मौसम की बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी में आम के साथ और भी कई फल डाले जाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये रेसिपी बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मीडियम साइज का आम लिया है, इसे मैंने अच्छे से छील लिया है। 4 चम्मच मैंने चीनी ली है। ये मैंने केले लिए हैं थोड़े से, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये पपीता लिया है, इसे भी कट कर लिया है। ये आम है थोड़ा सा, इसे भी कट कर लिया है। ये अंगूर है, इसे भी 2 हिस्से में कट कर लिया है। ये मुलायम वाली खजूर है, इसे भी कट कर लिया है। ये कीवी है, इसे भी कट कर लिया है। और ये अनार है जो छील कर निकाल लिए हैं। और ये मैंने दूध लिया है, 600 ग्राम के करीब दूध है। ये दूध हमें ठंडा वाला लेना है। ये मैंने 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड लिया है। सबसे पहले हम आम को काट कर और इसके अंदर ग्राइंड करेंगे, तो हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए हमने इसे काट लिया है। अब हम इसके अंदर ये चीनी डाल देंगे, दूध डालेंगे इसके अंदर। इसमें से हम आधा दूध डाल देंगे, आधा फिर बाद में डालेंगे, और इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे भगोनी में डालते हैं। अब कस्टर्ड में हम थोड़ा सा ठंडा वाला दूध मिलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इस कस्टर्ड को हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके सारे फ्रूट्स डालेंगे। कुछ हम थोड़े गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मैंगो कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, उसके बाद में हम इसे सर्व करेंगे। 1 घंटा हो गया है, हमने इसे फ्रीज में से निकाल लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे बचे हुए फ्रूट्स जो हमने रखे थे। ये देखिए हमने इसे गार्निश कर दिया है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप भी इसे बनाइए, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।